कुर्नूल 1960 के दशक में आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। फिलहाल वहां राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। यहां के वोटर विकास और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के मुद्दे पर बटे हुए दिख रहे हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मोहम्मद इम्तियाज इस विधानसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी अपने उम्मीदवार के लिए खासकर मुस्लिम वोटरों का समर्थन लामबंद करने में जुटे हैं। अब तक के जो 5 साल गुजरे हैं हमारे, बहुत अच्छे गुजरे हैं। जगन अन्ना के फेवर में बहुत अच्छा गवर्नमेंट चला है। हमारा कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, ताकि कोरोना तक भी आया, कोरोना का पीरियड भी था, इसमें बहुत अच्छा गया 5 ईयर्स। वो हमारी एक कोशिश है कि आगे चल के भी हमारे सीएम जगन अन्ना ही रहे और ऐसे ही भाईचारे से और अच्छाई से चलते रहे हमारे इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। अटकलें थी कि टिकट के लिए वाईएसआरसीपी में काफी उठापटक हुई। हालांकि वाईएसआरसीपी उम्मीदवार ने अंदरूनी कलह की खबरों से इनकार किया। विपक्षी टीडीपी उम्मीदवार टीजी भरत लोकल होने का हवाला दे रहे हैं। वे वोटरों से अपने ऊपर भरोसा करने की अपील कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी के साथ गठबंधन टीडीपी के लिए अल्पसंख्यक वोटों के नुकसान की वजह नहीं बनेगी। लोग पिछले चुनाव में वाईएसआरसीपी के वादों की याद दिला रहे हैं। उनका कहना है कि कई वादे पूरे नहीं हुए। सरकार ने कल्याण की 9 योजनाओं का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें असरदार तरीके से लागू करने पर संदेह है। इससे कई लोग निराश हैं। इस वक्त पिछली बार कोई भी एमपी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया, सेंट्रल प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री, एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्पावरमेंट कुछ भी, और इरिगेशन प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं ला पाए। एमपी इज जीरो, अब आने वाला एमपी भी जीरो है। या हम यहाँ पर एक फैक्ट्री चाह रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल हब जैसा कि आया गया, तो हम जैसे एम्प्लॉयमेंट को एक नौकरी मिलेगी और कुछ कारोबार चलता है, रोजगार चलता है। ये 5 साल के अंदर फर्स्ट हम वहीं बिल्डिंग वर्कर जो रेती जो तकलीफ दिया, 5 साल के अंदर बिल्डिंग वर्कर बहुत तकलीफ में हो गए। ये आयरन सीमेंट बालू पूरा बंद करने से बिल्डिंग वर्कर बहुत मुसीबत में, बहुत तकलीफ में, महीने में 2 दिन काम मिलना भी मुश्किल हो गया। ये पूरा ये जो पदकम जो दे रहे 100 आदमी में 20 आदमी को मिल रहे हैं। कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। कुर्नूल लोकसभा सीट पर करीब 16.55% मुस्लिम वोटर हैं। इस सीट पर वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और कांग्रेस के बीच तिकोना मुकाबला है। जो भी रिजर्वेशन मुसलमानों पे है, रिजर्वेशन को कैंसिल करने की कोशिश साजिश चल रही है, और मणिपुर में जो भी हादसा हुआ है, हादसे के लिए बीजेपी कुछ भी स्टेप आज तक लिया ही नहीं, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल में आना जरूरी है। अब कांग्रेस पार्टी आते ही लोगों है ना, जो भी इतने दिन सुकून थे 10 साल पहले, मुसलमान माइनॉरिटी हो और क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, एससी हो, दलित हो, जो भी हो, इतने 10 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी में कैसे सुकून थे, वो सुकून ये 10 साल में नहीं है। हाल फिलहाल में यहाँ अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए सभी प्रमुख दलों की टॉप लीडरशिप ने रोड शो किए हैं। अभी तक अल्पसंख्यकों के रुझान का पता नहीं चला है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनका रुझान मिला जुला होगा। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीट के लिए एक ही दौर में 13 मई को वोट डाले जाएंगे।